अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर थाना बरुड़ परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। खरगोन से आए एडिशनल एसपी तरुण सिंह बघेल और तहसीलदार मुकेश मचार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति पूर्वक गांव में कार्यक्रम मनाने की अपील की गई। खरगोन जिले से आए एडिशनल एसपी तरुण सिंह ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमें अपने अपने घरों एवं मंदिरों में शांति पूर्वक मनाना है। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर थाना प्रभारी को सख्त कार्यवाही के आदेश दिए। शांति समिति की बैठक में ग्रामीणों द्वारा पूर्व में सरपंच के साथ हुई मारपीट को लेकर भी थाना प्रभारी पर सवाल खड़े किए गए। बैठक में थाना प्रभारी की कड़ी निंदा की एवं ग्रामीणों द्वारा थाना प्रभारी राजकुमार दीक्षित को हटाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। पूरे खरगोन जिले में बरुण कस्बे में उत्साह चरम पर है और उनके उत्साह में हम भी उनका साथ देने आए थे, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। सर, अभी भागवत कथा चालू हो रही है, यहाँ पर मांस की दुकानें लगी हुई, इनको हटाने वो अपने तहसीलदार साहब और टीआई साहब को निर्देश दे दिए हैं कि उसको रिमूव करा दें। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।